सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप की जो कि आप 50,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। लैपटॉप अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज लैपटॉप चाहिए, मतलब हर एक कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। गेमिंग की मैंने पहले वीडियो की हुई है एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए वो भी 60,000 के प्राइस रेंज में मेरे चैनल पर आपको मतलब मिल जाएगी वीडियो, तो भैया आप चेकआउट कर लेना। अभी बात करते हैं हम लैपटॉप की। सो लैपटॉप की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको टॉप 5 लैपटॉप नहीं बताने वाला, आज मैं आपको टॉप 4 लैपटॉप बताऊंगा जो कि पैसा वसूल होने वाले हैं। अभी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MI नोटबुक अल्ट्रा को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, लाइट वेट लैपटॉप है, डिज़ाइन, लुक, कलर वगैरह सच में बहुत ही सूट करेगा। अगर आपने हाथ में पकड़ा होगा ना, जब बैग में भी कैरी कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए कैरी कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड ये कलर ग्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप बहुत अच्छा होने वाला है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको 15.6 इंच के साथ क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी, 100% sRGB के साथ, 90 रिफ्रेश रेट के साथ। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है एंड इसका बजट भी यार 59,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आपको ये लैपटॉप मिल रहा है। i5 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 4 कोर का प्रोसेसर है, 16GB रैम है, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल RX 60 ग्राफिक कार्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, पोर्ट्स सभी मिल जाते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी मिल जाता है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा MI नोटबुक अल्ट्रा में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI नोटबुक अल्ट्रा के बता दिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका एक और वेरिएंट आता है जो 8GB रैम के साथ आता है, तो भी आपने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपने 16GB रैम की ओर ही जाना, ठीक है। वैसे लुक, डिज़ाइन, कलर वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। अगर बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। तो सबसे ज़्यादा मैसेज यही आते हैं कि HP की ओर से लैपटॉप चाहिए, तो भी आप जा सकते हो HP 15S की ओर। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ, i5 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल RX 60 ग्राफिक कार्ड, विंडो 11 मिल जाती है, 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, 720p वेब कैमरा, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं आपको 4.0 मिल जाता है, ऑल पोर्ट्स मिल जाते हैं HP 15S में। मेन स्पेसिफिकेशन बता दिए, ये भी लाइक एनिमेशन के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, हर एक कैटेगरीज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भाई जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको चेकआउट करना है तो भी आप चेकआउट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। तो यार नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर मैंने ASUS की ओर से लैपटॉप रखा है। मैं बात कर रहा हूं ASUS VIVOBOOK 15 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो यार ये लैपटॉप आपको 57,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले, 220 निट्स ब्राइटनेस के साथ, i5 12th जनरेशन, 12 कोर का ये प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 24GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल RX 60 ग्राफिक कार्ड, विंडो 11 आपको इसमें देखने को मिल जाती है, पोर्ट्स सभी मिल जाएंगे, 720p वेब कैमरा, कनेक्टिविटी भी अच्छी होने वाली है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दिया, ठीक है। ASUS VIVOBOOK 15 का जो लुक डिज़ाइन है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको खुद को पसंद आया होगा, जितना भी आप वीडियो अगर मेरी देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप चेकआउट जरूर करना। इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है HP Pavilion को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये अपने प्राइस रेंज से ऊपर चला जाता है, तो 2000 अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप HP Pavilion की ओर जा सकते हो। 15.6 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है, i5 12th जनरेशन, 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल RX 60 ग्राफिक कार्ड, विंडो 11, 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन आपको 4.2 मिल जाता है, Alexa built-in 720p वेब कैमरा, मतलब हर एक कैटेगरी मिल जाती है जो नॉर्मली मिलनी चाहिए, वो हर एक चीज़ इस लैपटॉप में भी मिल जाती है, लेकिन 2000 एक्स्ट्रा आपको पे पर करना पड़ेगा अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है। अभी कंक्लूजन की बात करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते। अगर आपको कलर ग्रेडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो यार MI नोटबुक अल्ट्रा बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग मतलब इतना डिस्प्ले अच्छा नहीं चाहिए, जब आप MI नोटबुक की ओर नहीं जाना चाहते, तो भाई मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही है,
कि आप ASUS VIVOOC 15 की ओर जाओ, बिकॉज उसका लुक, डिज़ाइन, कलर, एंड अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो, वो मतलब लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, या फिर अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, MS ऑफिस पे काम करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, या फिर अगर आपको लाइक प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, मतलब कोई भी काम करना चाहते हो भाई, आप इजीली नॉर्मली कर लोगे, उसका प्राइस रेंज में आपको 57,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स वो लैपटॉप मिल जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।